हेलो एवरीवन, देखिए अब लेंस फॉर्मूला करते हैं। देखो इसकी डेरिवेशन करेंगे तो जो फर्स्ट केस आता है हमारे पास वो है लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग रियल इमेज। और कन्वेक्स लेंस में आपको पता है वर्चुअल इमेज भी होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कन्वेक्स लेंस हैविंग रियल इमेज, रियल इमेज का केस करना है, और इसके लिए हमें लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हम इसमें एक रे डायग्राम बनाते हैं रियल इमेज के लिए। वो देखो जरा, ये क्या हो गया आपके पास, एक कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। और ये इसकी क्या रही आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इस लेंस का सेंटर हो गया, जिसको हम सी बोल देते हैं। और इसमें दो फोकल लेंथ होती हैं, आपको पता है ये चीज़, ठीक है ना। तो दो फोकल लेंथ, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। लेंसेज में आपको पता है दो फोकल लेंथ होती हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो रियल इमेज बनानी है तो हम इसको यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं फोकल लेंथ से पीछे पीछे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता चल रही हैं कि क्यों हम पीछे ही रखेंगे इसमें, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी क्लास 10th की वीडियोज रे डायग्राम, ठीक है ना, तब आपको क्लियर होंगी। क्लियर, इमेज फॉर्मेशंस हैं जो आपके पास कन्वेक्स लेंस की, वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि फोकल लेंस से आगे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाता है, फिर वो वर्चुअल इमेज बनती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहीं भी रख सकते हैं फोकल लेंस से इधर इधर। तो ऑब्जेक्ट हमने ये रख दिया, इसका नाम रख देते हैं, ये ए है ये बी है। तो देखो इसमें रूल क्या लगते हैं, सबसे पहला रूल क्या लगा सकते हैं हम कि पैरेलल रे गई, ये पैरेलल रे अगर गई तो ये कहाँ से निकलेगी बताओ जरा, फोकस से निकलेगी, ठीक है। तो आप फोकस से बना सकते हो इसको या नहीं, तो फोकस से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ फोकस में से निकाल देता हूँ ये चीज़, ठीक है। ये फोकस से निकल गई आपके पास रे। उसके बाद देखो ऑब्वियस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसमें से रे पास होगी, क्लियर। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होती है और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है आपके पास, ये फोकस से निकलती है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास रूल, हम सेंटर से अगर निकाल लें तो वो रे स्ट्रेट पास जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ सेंटर से निकाल देते हैं रे यहाँ से, ठीक है। तो फिर बिल्कुल ये, तो देखो सेंटर से हम निकाल लेंगे, ये निकल गई आपके पास सेंटर से रे, तो ये स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये आपके पास क्या थी, फोकस में से जो निकल रही थी ये वाली रे थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो आपके पास बनेगा ये क्या बन गया यहाँ पर इमेज, ठीक है। और इसको हम नाम क्या दे देंगे, ये आपके पास बन गया बी डैश और ये बन गया आपके पास ए डैश। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये पॉइंट जो है इसको मान लो आप डी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या मान लिया हमने, डी पॉइंट। और यहाँ से ये हमने इस तरीके से लाइन लगा दी, कितनी बात क्लियर है या नहीं। अब देखो इसमें ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल एबीसी और एक ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वाला, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर का और एक इमेज का सेंटर के साथ, कौन सा हो गया, ए बी सी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल, ये है सिमिलर। देखो मैं बताता हूँ कैसे, पहले हम यहाँ लिख देते हैं ये कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। देखो सिमिलर कैसे हैं, अगर देखो यहाँ पर ये मैं डायग्राम बनाऊँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपके पास, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पर सी, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आपके पास, देखो ये ए बी और ये बन गया आपके पास बी डैश और ये ए डैश, ठीक है। और यहाँ से देखो इस तरीके से ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन देख लो, ठीक है। तो ये वाले दो ट्रायंगल ही हैं एक्चुअल में, देखो जो आप ए डैश बी डैश थी और ए बी सी। अब ये सिमिलर कैसे हैं, देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, क्यों, ये वाला 1 मान लो ये वाला 2 मान लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, इसको मान लो आप 3 और ये 4, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ए डैश बी डैश वाली और ए बी वाली, और ये वाली एक लाइन जा रही है इनमें से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब थर्ड और फोर्थ एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। कौन से एंगल हैं आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मतलब 3 और 4 भी इक्वल हो गया, 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट की वजह से इक्वल हो गए, और ये वाले 90 डिग्री हैं, ठीक है, इसलिए इक्वल हो गए। तो कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए हैं, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी से क्या हो गए ये सिमिलर। और ये ट्रायंगल एबीसी और ए डैश बी डैश सी अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कैसे, जैसे ये ए बी है इधर से और इस वाले ट्रायंगल का ये ए डैश बी डैश इक्वल रहेगा किसके, ये वाला बी सी और साथ में ये बी डैश सी। वैसे ये ए सी इक्वल टू ये ए डैश सी भी हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास है नहीं यहाँ पर इनकी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है, आपको ये ऑब्जेक्ट की तो हाइट पता है, इमेज की भी हाइट पता होगी, ठीक है। लेंस के सेंटर से ही सारे डिस्टेंसेज होंगे, अगर आप ये देखें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी से तो ये क्या हो गया हमारे पास यू हम लिखते हैं, और इमेज का डिस्टेंस सी से कितना हो गया ये वी हम लिखेंगे, और फोकल लेंथ ये सी से एफ क्या हो गई एफ, क्लियर है। ये फोकस थी तो सी से एफ तक कितना हो गया हमारे पास फोकल लेंथ हो गई, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है, ये समझ में आया।
ट्रेंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर क्यों है, ठीक है। तो आपको तो लिखना यही है कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये सिमिलर हैं, जिसकी वजह से देखो हम इनको लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश एंड क्या लिखा था हमने, ये बी सी अपॉन में बी डैश सी, क्या लिख सकते हैं या नहीं बताओ ज़रा, कोई इसमें मुश्किल, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सिमिलरली जो आपके पास ट्रेंगल है ये वाला, आपके पास ये सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, देखो सी डी एफ और ये ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्रेंगल भी आपने कंसिडर कर लेने हैं, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे इसी तरीके से। इसमें भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 और इधर से ये 90, ये भी इक्वल, और ये दोनों एंगल क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी सिमिलर है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें ट्रेंगल सी डी एफ एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो भी क्या होगी इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर सी डी अपॉन में इधर से क्या हो गया ये आपके पास ए डैश बी डैश इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आपके पास सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो सी डी है ये किसके इक्वल है, ये वाला सी डी इस ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं सी डी की जगह ए बी रख सकता हूँ, देखना क्यों, देखो यहाँ लिख देते हैं हम बट सी डी इज इक्वल टू किसके है ए बी के, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो सी डी की जगह ए बी रख दिया, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो ये क्यों चेंज किया, सी डी को ए बी के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये देखो फर्स्ट और सेकंड में फिर ताकि क्या हो जाए सिमिलैरिटी आ जाए कुछ, क्या इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड भी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो इसकी वजह से ये इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी तो इनकी राइट हैंड साइड को भी हम क्या रख सकते हैं इक्वल रख सकते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसको हम सेकंड ना मान के इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, इसको सेकंड मत मानना, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इसको कैसे बी सी अपॉन में बी डैश सी, दिख रहा है, इज इक्वल टू में और इधर से सेकंड में से आ जाएगा सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब आपको पता है इनकी वैल्यूज पुट करनी है, क्यों, क्योंकि सारे डिस्टेंसेज हमारे पास सी से हैं, तो अब इनकी वैल्यूज अभी हम रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेज, ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम सी, ठीक है। तो बी सी, बी सी देखो यहाँ पर क्या है, यू है और लेफ्ट हैंड साइड का ये हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हम इसको माइनस यू, माइनस यू लिख दिया। बी डैश सी देखो, बी डैश सी क्या है, ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है दैट इज़ वी, और ये इस साइड है तो ये प्लस का वी हो गया, राइट हैंड साइड है तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। सी एफ, सी एफ इज़ दिस, ये वाली लेंगे हम फोकल लेंथ, तो ये कितनी बन जाएगी आपके पास प्लस की एफ, राइट हैंड साइड में है, क्लियर, प्लस की एफ आ गई ये, क्लियर। और बी डैश एफ, अब देखो बी डैश एफ ये है बी डैश एफ, और हमारे पास तो सारे डिस्टेंसेस सी से हैं, तो बी डैश एफ को थोड़ा मॉडिफाई करो। देखो ये जो बी डैश एफ है यहाँ पर, ये जो बी डैश एफ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डैश सी माइनस सी एफ, बी डैश सी ये पूरा, और इसमें से अगर सी एफ माइनस कर दूँ तो बी डैश एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी से सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे बी डैश सी माइनस में सी एफ, बताओ। अब बी डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी है प्लस के, और सी एफ क्या है हमारे पास, प्लस का एफ है, तो माइनस पहले से था और ये प्लस का एफ आ गया, समझ रहे हो कैसे लिखा है हमने बी डैश एफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं बी डैश एफ की जगह ये लिख सकता हूँ मैं ऊपर से वी माइनस में एफ, और ये कैसे आया यहाँ पर लिख भी दो, अगर लिखना है आपको बी डैश एफ की जो वैल्यू थी देखो ऊपर से क्या रखी थी हमने, ये बी डैश सी माइनस के सी एफ, तो यहाँ लिख दो ये बी डैश सी माइनस का सी एफ, ठीक है, और बी डैश सी की वैल्यू प्लस का वी और माइनस में सी एफ की वैल्यू प्लस का एफ, तो वी माइनस एफ आ गया, तो ये हमने वी माइनस एफ लिख दिया था, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल सिंपल कहानी है, ठीक है, कोई मुश्किल इसमें किसी भी तरीके की, ठीक है। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो ये देखो ये माइनस का यू इधर है, ये वी माइनस का एफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वी इंटू में एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी एफ आ रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस का यू एफ इज इक्वल टू में वी एफ, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा जल्दी से। अब देखो हमें जो लेकर आना है वो लेंस फॉर्मूला लेकर आना है। लेंस फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है, क्या होता है, वन बाय एफ इज इक्वल टू में वन बाय वी माइनस वन बाय यू, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब वो अगर हमें लेकर आना है तो यहाँ पर एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, क्या, ये जो इक्वेशन है ये इसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ देखो, ठीक है, और इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से। तो ये इक्वेशन लिख देता हूँ पहले जो नीचे आई आपके पास, माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इज इक्वल टू में वी एफ, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग
द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय UVF, बाय UVF। तो देखो माइनस का UV अपॉन में UVF, प्लस का UF अपॉन में UVF इक्वल टू में VF, और यहाँ भी UVF से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो UV से ये UV कैंसिल, UF से ये वाला UF कैंसिल, और VF से ये वाला VF कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या, देखो माइनस का 1 बाय F प्लस का 1 बाय V इज इक्वल टू में 1 बाय यू, ये बचा आपके पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय वी, और ये 1 बाय यू इधर जाके माइनस का 1 बाय यू, और ये 1 बाय एफ माइनस का उधर जाके प्लस का 1 बाय एफ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको अगर आपको पलटना है कि राइट हैंड साइड इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तब भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये भी फॉर्मूला आपके पास बन ही गया है लेंस फॉर्मूला, लेकिन इसको अगर और ढंग से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1 बाय एफ इक्वल टू में 1 बाय वी माइनस में 1 बाय यू। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, और यही आपने क्लास 10th में पढ़ा था, और ये हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि कैसे आया है। ठीक है, तो क्लास 10th में सिंपल फॉर्मूला पढ़ना था आपको, और क्लास 12th में इसका प्रूफ भी करना है साथ में। ईजी है या नहीं है डेरिवेशन बताओ, बिल्कुल ईजी है। ओके जी, थैंक यू।